नमस्कार, बारहमासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हैं गोपेश्वर में और गोपेश्वर के चर्चित गोपीनाथ मंदिर में। इस मंदिर से जुड़े कई ऐतिहासिक कहानियां हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं, कई मिथक भी हैं। वो क्या हैं वो कहानियां, क्यों विशेष है ये मंदिर, क्या विशेषता है इस मंदिर की, क्या यहाँ शिव गोपी रूप में विराजमान हैं, क्यों इस मंदिर का नाम गोपीनाथ पड़ा, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। और ये बात करने के लिए हमारे साथ में हैं अपूर्व भट्ट जी। अपूर्व भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपूर्व भट्ट जो हैं वो पारंपरिक तौर से उस परिवार से आते हैं जिस परिवार की जिम्मेदारी है रुद्रनाथ और गोपीनाथ दोनों मंदिरों की पूजा की। तो उनसे तमाम पहलुओं को समझेंगे। और सबसे पहले अपूर्व भाई, इसी ये बताने से शुरुआत कीजिएगा कि जैसा हमने सुना है कि यहाँ पर शिव जो है वो गोपी स्वरूप में विराजमान हैं, तो एक बार विस्तार से बताइए और शुरुआत यहीं से कीजिए कि मंदिर को गोपीनाथ मंदिर क्यों कहा जाता है। लोक कथाओं के आधार पर अगर आप देखिए तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ पे भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था और यहीं से रासलीला करके वृंदावन के लिए प्रस्थान किए थे, ऐसा कहा जाता है। अगर आप पुराणों के आधार पर आएँ तो स्कंद पुराण के केदार खंड में अध्याय 22 श्लोक 6, 7, 8, मैं आपको बता रहा हूँ अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए है, स्कंद पुराण के केदार खंड अध्याय 22 श्लोक 6, 7, 8 में इस मंदिर के बारे में कहा गया है कि इसे पश्वेश्वर महादेव, पश्वेश्वर तथा गोस्थल महादेव कहा जाता है। इस स्थान पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया और कामदेव को भस्म क्यों किया इसका कारण भी जान लीजिए आप। जब सती ने अपना देह त्यागा तो भगवान शिव शंकर अपनी समाधि में बैठ गए और ब्रह्मा जी का वरदान तारकासुर नाम के राक्षस को था कि उनका वध होगा जो शिव के तेज से जो उत्पन्न पुत्र होगा उसके द्वारा किया जाएगा। देवताओं को परेशान कर दिया, देवताओं को बहुत ही परेशान कर दिया। देवता भगवान शंकर के पास गए, देवताओं के आग्रह पर भगवान शंकर नहीं उठे अपने समाधि से, इतना आसान भगवान को समाधि से उठाना आसान नहीं है। तो कामदेव देवता ही हैं, कामदेव से कहा गया कि आप काम जगाइए भगवान के अंदर। अच्छा। तो एकदम से इतना काम तो जगाएंगे नहीं, वो भी प्यार से, अगर आप नींद से उठाना होता किसी को तो आप प्यार से उठाते हैं पहले। हाँ। उठ जाओ। हाँ। अरे भगवान जी उठ जाओ। हाँ। तो नहीं उठे, काफ़ी प्रयत्न के बाद वो नहीं उठे। तो कुछ देर बाद उन्होंने उन पर काम रूपी बाण मार दिया। अच्छा, ऐसा कहा जाता है जी। काम रूपी जब बाण मारा तो भगवान शिव इतना समाधि का इतना तेज था, मैं ऐसा कहूँगा नहीं कि भस्म किया, भगवान शिव शंकर भगवान को ही क्यों भस्म करेंगे, कामदेव देवता ही है। इतना तेज था भगवान के अंदर जो समाधि की तपस्या थी उससे वो भस्म हो गया, मेरा कहना ऐसा है। आगे हमसे जहाँ विद्वान रहेंगे लोग वो बता सकते हैं, पर मेरा ये कहना है कि भगवान के पास इतना तेज रहा होगा कि वो भस्म हो गए। अच्छा, यही स्थान बताते हैं कि जहाँ पे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया। कामदेव की पत्नी रति, अगर आप जाएंगे थोड़ी दूर, यहाँ पे 300-400 मीटर की दूरी पर रति कुंड है जहाँ पे रति ने तपस्या की। अच्छा, भगवान शंकर क्या है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे संग, भगवान शिव शंकर है आशुतोष, आशुतोष है रुद्र है भोला है, भगवान को अगर आप जल चढ़ा दीजिए उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। शिव जी सबसे के बेसिक देवता कहा जाता है। अगर आप जल भी नहीं है, भाव, अगर आपके अंदर भाव है, आपने श्रद्धा पूर्वक भगवान को हाथ जोड़ दिया तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो रति ने तपस्या की। अच्छा। तो भगवान शंकर की कामदेव को आपने भस्म क्यों किया, कामदेव को भस्म क्यों किया, तो जब रति ने तपस्या की तो भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या देख कर। जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने उनको वरदान दिया। क्या वरदान दिया, कि कामदेव का दोबारा जन्म होगा। अच्छा, किसके रूप में, कृष्ण के पुत्र के रूप में। अच्छा, कृष्ण के पुत्र कौन हुए, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के रूप में जन्म हुआ दोबारा कृष्ण जी का। और आप ये त्रिशूल देख रहे हैं यहाँ पे सामने, तो लोग कहते हैं किंवदंतियाँ हैं, कोई अब पूरा नॉलेज तो लेके नहीं आता है यहाँ पे। लोग कहते हैं कि किसी ने कामदेव को भस्म किया, परशुराम का त्रिशूल है, पर ये नहीं। अगर आप पुराण में जाएं, फिर से मैं कह रहा हूँ अगर आप पुराण में जाओ, क्योंकि जो भी हमारे साथ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ब्लॉगर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस स्थान पर जा रहे हो थोड़ी जानकारी लेके जाएं। तो ये जो त्रिशूल है स्कंद पुराण में कहा गया है भगवान शिव ने, शिव और शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, अगर इसको आप कनिष्ठिका उंगली से स्पर्श करते हो तो इसमें कंपन महसूस होती है। अच्छा, हाँ, तो शिव और शक्ति के द्वारा स्थापित किया। अगर आप देखोगे उस त्रिशूल पर, अगर विजुअल्स दिखाओगे आप उसको, उसमें त्रिशूल और खड्ग भी है, उसमें देखो साइड में शिव और शक्ति का प्रतीक है वो।
भगवान शिव और शक्ति ने स्वयं स्थापित किया। मैं यहाँ पे साक्षात विराजमान रहूंगा शिव और शक्ति के रूप में, उस त्रिशूल को यहाँ पे छोड़ के गए। और ये चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ जी का गद्दी स्थल भी है। अच्छा, पूरे विश्व में अगर आप कहीं जाएं तो सिर्फ भगवान के चेहरे के दर्शन तीन जगह होते हैं जी। पहला है रुद्रनाथ, दूसरा है पशुपतिनाथ, और तीसरा है कंबोडिया में ओणेश्वर महादेव। ये तीन जगह हैं जहाँ भगवान के चेहरे के दर्शन होते हैं। उसमें से श्री गोपीनाथ जी श्री रुद्रनाथ जी गद्दी स्थल भी है। 6 महीना पूजा अर्चना भगवान की यहीं पे होती है। और मुख्य दर्शन पूरे विश्व में तीन जगह बताए मैंने आपको। पहला होता है एकानंद जो होता है, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजा, आप आरती भी करते हैं सुनते भी होंगे। एकानंद जो होता है रुद्रनाथ में, अपने भारत में सिर्फ एक जगह है जहाँ भगवान के चेहरे, जैसे आपका चेहरा है वैसे भगवान जी का चेहरा भी है। चतुरानंद होते हैं पशुपतिनाथ में, चार मुख्य। पंचायन होते हैं कंबोडिया में। अच्छा, पांच मुख्य दर्शन। ये विशेषता यहाँ पे और कहा गया है राजा सगर द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है, राजा सगर का। और मैं अगर बेसिक नॉलेज भी जाऊँ तो राजा सगर के द्वारा, कत्यूरी शासक थे राजा सगर, उनके द्वारा ये मंदिर निर्माण किया गया है। और कहते हैं 8वीं शताब्दी में, अच्छा 8वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया राजा सगर के द्वारा। अगर देखा जाए तो 8वीं सेंचुरी से पहले के आलेख यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप देखें दीवारों पे लिखे हुए तो ब्रह्म लिपि है, कुछ अलग अलग लिपियाँ हैं उसमें 8वीं सेंचुरी से पहले की आपको प्रतीत होती है। अच्छा, और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये क्या मानता है लगभग कितनी 8th-9th century बताते हैं। हाँ, जो रिसर्च के आधार पर पता चला है वो 8th-9th century के आधार पर पता चला है। तो राजा सगर जो है उनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है, कत्यूरी शासक वो रहे। तो एक कहानी ये भी है, अगर एक और कहानी बताऊँ मैं, गोस्थल भी कहा जाता है इसको। अच्छा, तो एक समय की बात है कि राजा सगर की जो गाय थी प्रतिदिन यहाँ पे आके, सगर गांव है वहाँ से यहाँ आके हमेशा दूध देती थी। काफी समय बीत गया, राजा सगर ने कहा कि यार गाय दूध नहीं दे रही है, तुमने सैनिक भेजे कि कौन चोरी कर रहा है। तो पीछे देखने भेजे तो देखा कि यहाँ जंगल, घने जंगल में गाय दूध दे रही है। तो एक दिन राजा भी चल गए, चल पड़े पीछे, सिपाही मार रहे हैं गाय को कि कहाँ जा रही है। तो घना जंगल था, राजा सगर द्वारा जब जंगल कटाया गया तो गाय अपने आप दूध दे रही थी वहाँ पे, अपने आप थन से दूध टपक रहा था। जब राजा सगर के द्वारा हटाया गया तो वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ। अच्छा, तो ऐसा कहते हैं राजा सगर के द्वारा बनाया गया मंदिर है। और ये पौराणिक कथा है इसकी। और ये वाली जो पौराणिक कथा है, विशेष तौर से ये जो कथा है गाय के किसी पिंड स्वरूप पर या लिंग स्वरूप पर दूध देने की, ये उत्तराखंड की कई लोक कथाओं से जुड़ती है। कई जो स्थानीय देवता हैं, जो लोक देवता हैं, उनकी कथाएं भी कमोवेश ऐसी ही हैं कि वहाँ पर मंदिर की स्थापना जो है इसी कारण हुई, क्योंकि कोई गाय वहाँ जाकर हमेशा दूध दिया करती थी। ये उत्तराखंड के कई जगह भैरों के बारे में भी ये कहा जाता है और अन्य देवताओं के बारे में भी कहा जाता है। तो मंदिर परिसर में ही कांति भट्ट जी हमारे साथ हैं। आपका भट्ट जी बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। सबसे पहले धन्यवाद। और अभी हम जो बात कर रहे थे इससे जुड़ी, मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं की, उनमें एक कथा गाय वाली भी आई, पिंडी के ऊपर दूध देने वाली कथा, उसी के बारे में भट्ट जी थोड़ा और विस्तार से बताएंगे कि हम, वो कथा तो उत्तराखंड में कई जगह प्रचलित है लेकिन यहाँ किसी और स्वरूप में भी नहीं। दरअसल ये आस्था ऐसी है लोगों की, हर की अपनी मंदिर से ऐसी आस्था जुड़ी है कि बहुत बार वो जो धारणा चली आ रही उसको एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। ये गाय वाली कथा आप यहाँ भी सुनेंगे तो आप कल्पेश्वर में भी सुनेंगे, तो आप साउथ में किसी और मंदिर में ये भी सुनेंगे। पर इस मंदिर की अलग विशेषता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विग्रह है आपने देखा केवल 8 अंगुल का विग्रह है और मंदिर की ऊंचाई है 71 फीट। अच्छा, और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई ऊंचा मंदिर केदारनाथ ऊंचाई में है इसलिए ऊंचा लगता है, लेकिन उसके हाइट सबसे ज़्यादा है। और फिर मंदिर की जो शैली है आप देखेंगे, शिखर है, नहीं पहले ध्वज है, शिखर है, गिरवा है, स्कंद है, पादप है, जैसे एक शरीर होता है वैसे मंदिर का एक स्ट्रक्चर है। और अंदर आप दीपक देख रहे हैं, हम तो उसको आकाश भैरव का दीपक कहते हैं, पर जैसा हमारा शरीर होता है और शरीर के अंदर आत्मा है, ठीक ज्योति एक प्रकार की आत्मा, किसी भी मंदिर का जो स्ट्रक्चर बनता है और उसके अंदर जो ज्योति है वो आत्मा का स्वरूप हिंदू मैथोलॉजी में है, ये इंडियन मैथोलॉजी में इसको माना जाता है। धर्म आर्कियोलॉजी के आधार पर आपने देखा ये कत्यूरी जो डायनेस्टी रही है हिमालय में, कत्यूरी डायनेस्टी जब आती है तो उस समय ऐश्वर्य का प्रतीक ये पहले साम्राज्य छिन्ना होता था, लेकिन यहाँ क्या रहा बीच में, उत्तराखंड में जो राजा रहे या दक्षिण में जो राजा रहे उन्होंने अपने होने का एहसास मंदिरों से करवाया।
आपने दक्षिण में भी देखा होगा कभी साम्राज्य चाहे कितने में राजा रहे एक दूसरे की साम्राज्य विस्तार नहीं किया बल्कि मंदिरों को स्थापित किया। तो इस मंदिर की कुछ और विशेषता आप देखेंगे कि सामने एक फ्रेम मिलेगा आपको। अच्छा, आपने इसके ठीक जो सामने फ्रेम है वहाँ वीणाधर शिव है। अच्छा। और जगह नटराज है या अलग अलग है। आपने पशुपतिनाथ नेपाल में देखा होगा तो उनके अग्रभाग पे कोई और स्वरूप है। यहाँ वो है वीणाधर है। सामने आप देख रहे हैं कि राहु का हम तो इसको बौद्धिस्ट तो ये कहते हैं जो ये वाला सिर्फ है कि बौद्धिज्म का प्रतीक है। लेकिन आपने देखा कि राहु के दो भाग हैं। अच्छा। तो इस पूरे क्षेत्र में जितने मंदिर हम कहते हैं कि 1802 के भूकंप में बहुत कुछ तबाह हुआ तो ये पूरे 132 मंदिर इसके आसपास थे। अच्छा। यहाँ से इस क्षेत्र का ये भी एक महत्व है कि यहाँ से 125 किलोमीटर बद्रीनाथ 125 किलोमीटर केदारनाथ सेंटर पॉइंट है। यहाँ से ऊपर रुद्र महालय क्षेत्र हो जाता और नीचे विष्णु क्षेत्र हो जाता है। ये हमारे बेटे हैं ये पूजा करते हैं सुबह तो जब शिव का अभिषेक करेंगे तो रुद्री के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम से भी करना पड़ता है। अच्छा। ये विशेषता है कि कभी भी इस क्षेत्र ने विष्णु और शिव को अलग नहीं माना जबकि इसको विष्णु स्वरूप में ही पूजा जाता है। कारण एक और रहा कि रुद्रनाथ जो हमारा इनका जो मूल स्थान है वहाँ पर विष्णु स्वरूप में भी उनकी पूजा होती है। और केवल और केवल भारत में तीन जगह ऐसी हैं जहाँ शिव के दर्शन हो चेहरे के दर्शन। एकानंद रुद्रनाथ में, चतुरानंद पशुपतिनाथ नेपाल में और इंडोनेशिया में पंचानंद। तो वे ये विग्रह है। अच्छा। अब आप इस पे इस मंदिर का आप देखिए जो पैमाइस है जो इसका सीधा डायरेक्शन होगा जो इसकी छाया पड़ेगी सुबह अगर कभी आप देखें कि इस ये मंदिर की छाया इसको कभी लांग नहीं सकती। अच्छा। अब सुबह ये है फोटोग्राफी का आप देख लीजिएगा कभी आएंगे। हाँ। तो जो वास्तु शिल्प रहा हमारा जो वास्तु ने क्यों बनाए होंगे जैसे अब केदारनाथ में उन्होंने चौड़ा कर दिया है। आपने देखा मंदिर से विराट ये लगता है कौन जो उसका क्षेत्र है वो विराट उससे मंदिर की जो गरिमा है वो ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़े वास्तु के आधार पर इस मंदिर को बनाया गया। इसके आप पीछे आपने देखा होगा कि जो पानी आता है पानी की निकासी का भी इन्होंने एक दूसरे ढंग से इन्होंने काम किया जिसने मंदिर में किया। और फिर सारे आप जितने ये पार्थिव शिवलिंग देखेंगे इनमें जनेऊ है। अच्छा। आप कैमरा आपके साथी दिखाएंगे कि हर में जनेऊ है। तो इन ये देखिएगा आइए जितने भी आप मंदिर देखेंगे ये चटका हुआ नहीं है और जिसको गरीबी कोई जनेऊ के आकार के हर जगह है। तो इसका क्या आधार रहा होगा जो पार्थिव शिवलिंग है विशाल मानो अंदर पूजित शिवलिंग तो ही पर इनके पीछे क्या कंसेप्ट रहा होगा क्योंकि केवल मंदिरों को आस्था के साथ साथ इसके पीछे क्या मैथोलॉजिकल सिस्टम क्या रहा होगा क्यों पूजें लोग आखिर क्यों माने इसको आस्था के आधार पे नहीं क्यों मानेंगे इस पे ये क्या। आपने देखा होगा कि अब जब मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो आधी परिक्रमा की अपने शिव की पूरी परिक्रमा नहीं की क्या कारण रहा होगा कि जैसे शिवलिंग है और नीचे जलेरी है तो सृष्टि और सृष्टि पारक कभी भी स्त्री के उसका अंगों का विद्रोह न हो स्त्री कभी भी शिव मंदिर में जलेरी का उल्लंघन नहीं होता। आप अच्छा। कुछ शब्दों को मैं सीधा नहीं कह सकता आप समझ लीजिएगा उनका सम्मान है। तो मंदिर में बहुत कुछ देखा गया है। दूसरा कि ये 3rd century से बनना शुरू हुआ। अच्छा। और पीक जो डायनेस्टी आई कत्यूरी की वो 9वीं और 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक बहुत पीक आवर थे। बस मंदिर का निर्माण इन्होंने 3rd century से बनाना शुरू कर लिया था पूरे क्षेत्र में। तो मतलब लगभग 400-500 वर्षों में जो है वो पूरी तरह से बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा। और एक चीज़ और बताइएगा कि हम लोग एक व्याख्या इसकी ये भी सुनते हैं कि जैसे कामदेव से और काम से ये जो जुड़ती है विशेष तौर से यहाँ की इस मंदिर की विशेषता तो उसके बारे में एक व्याख्या ये भी की जाती है कि भगवान शिव यहाँ पर ये संदेश भी देते हैं कि काम सुख को कैसे नियंत्रित किया जाए या कैसे वो जी इस व्याख्या अभी अब क्या कि दरअसल काम क्रोध मद लोह शरीर में स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी शिव ने ये नहीं कहा कि काम नहीं है कि शिव ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार है पर शिव ने कहा कि काम पर नियंत्रित करना
काम, कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने केवल प्रवचन नहीं कि अगर केवल हमारे एक ऐसे देवता हैं जिनके परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं और आपने सब कुछ है, और शिव ने कहा कि काम है पर काम को कैसे नियंत्रित करें, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कामदेव जब देवताओं ने अपने प्रयोजन के लिए शिव का की तपस्या भंग करने की कोशिश की तो वो डर गए, तब कामदेव को उन्होंने कहा, तो आपने कहते हैं कि यहाँ पर ही कामदेव को भस्म किया था उन्होंने, और उनकी पत्नी है रति, कामदेव की पत्नी है रति, और रति ने कहा कि प्रभु आप तो इतने बड़े ज्ञाता हो, आपको गुरु भी कहा जाता है, और आपने मेरे पति को कैसे भस्म कर लिया बिना जाने हुए कि इसका दोष जाने, तो शिव ने कहा था कि सचमुच मुझसे अपराध तो हो गया है पर अब आप अपने पति के दर्शन मछली के रूप में वैतरणी कुंड में करूंगे। अच्छा। और उसी के जल से मेरा अभिषेक अभिषेक। अच्छा। ये बड़ा देखिए, ये बड़ा जो बड़ा व्यक्ति है उसकी विनम्रता देखिए कि रति के आग्रह पर उन्होंने माना कि मुझसे गलती हुई, कहा कि अब आप ही के जल से मेरा अभिषेक होगा, था तो नग्ने पांव सुबह ब्राह्मण जो जाएगा नंगे पैर उसको आज भी यहां अभिषेक के लिए जल वहीं से आते हैं। ये मंदिर, ये जो है डॉक्टर वाई एस कटोच हैं जो हिस्ट्री जी हिस्टोरियन है, अभी पद्मश्री भी जिनको मिले, पद्मश्री, वो मैं कह रहा हूँ कि हम जब अपने मंदिरों की बात करें, आस्था के केंद्रों की बात करें, तो उसके पीछे हमारे पास एक लॉजिक भी होना चाहिए कि क्या है हमारा जी। तो डॉक्टर वाई एस कटोच ने सबसे पहले इस पर काम किया है। अच्छा। उनके अनुसार ये अभी 2.5 फुट और नीचे है ये मंदिर, ये जो त्रिशूल। अच्छा। इस त्रिशूल में ब्राह्मी में और प्री ब्राह्मी में अलग अलग स्क्रिप्ट लिखे, एक तो ब्राह्मी है और एक है प्री ब्राह्मी। ब्राह्मी ये पूरा जो क्षेत्र है गणपति जो नागवंशियों का भी साम्राज्य रहा, कत्तियों के बाद कत्तियों के बीच में नागवंशियों का भी साम्राज्य रहा, इसलिए एक क्षेत्र को यहाँ नागपुर क्षेत्र भी मल्ला नागपुर तल्ला नागपुर भी कहा। तो 5वीं सदी में यहाँ पर नागवंशियों का अधिवेशन हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पर गणपति नाग लिखता है, जो गणपति नाग राजा रहा वो कहता है कि मैंने हिमालय को विजय मैंने इस क्षेत्र पर मैंने शिव की आराधना के लिए ये त्रिशूल स्थापित है ये कहने। उसके बाद चल वंशीय राजा आते हैं नेपाल से, तो अशोक चल एक राजा है वो कहता है कि मैंने हिमालय को विजय किया है, अभी आप मैं वो स्क्रिप्ट आपको मैंने हिमालय को विजय किया, उसने भी अपनी बात लिखी है, पर इसका मतलब उनसे वो पहले कह रहे थे कि ये त्रिशूल पहले से भी खड़ा है। ये मंदिर एक हिस्से पे टूटा हुआ, आपने देखा त्रिशूल एक हिस्से पे थोड़ा सा टूटा। हाँ। तो ये लगभग यहाँ से एक वृक्ष था दाल बहुत, तो वो टूटा है उससे ये थोड़ा इसका हिस्सा भी टूटा हुआ। अच्छा, ये लगभग कब की बात होगी? ये 250 साल पहले ये एक टूटा भी है। अच्छा। ये जो मंदिर 17वीं-18वीं सदी के आसपास टूटा है। अच्छा। पूरा एक अब दो धारणा है, ये कहते हैं जहाँ शिव होगा उसमें आमतौर से फरसा नहीं दिखता है, कम दिखता है। तो लोगों की ये भी धारणा है कि जब भगवान श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत किया था और अपने स्वरूप को दिखाया था, तब उन्होंने अपना फरसा यहाँ पे छोड़ा और केरल में वो तपस्या करने, तो इसीलिए उस धारणा पर ये कहते हैं परशुराम ने भी माना है कि हिमालय के इस क्षेत्र में भगवान शिव है। मंदिर के अंदर आप और चीज देखेंगे कि 8 अंगुल का विग्रह होने के बाद अंदर माँ पार्वती, आमतौर से शिव मंदिर जहाँ होते हैं शिव होते हैं और बाद में नंदी जी वगैरह रखे जाते हैं, अंदर आप देखेंगे कि माँ पार्वती का विग्रह है और शिव है, उसके अंदर एक बूटधारी सूर्य की मूर्ति, पर्शियंस जिस सूर्य को पूजते हैं, पर्शियंस, हाँ पर्शियंस, अच्छा, लाइक उनके आराध्य देव की भी वो है। अच्छा। वो बूट यहाँ तक पहना हुआ है, अंगरखा। अच्छा। है और उसमें शिव की मूर्ति। अच्छा। तो वो अंदर है। इधर और भगवती का एक और मंदिर है। फिर जैसे बनारस में भैरव है वैसे यहाँ के आकाश भैरव यहाँ के स्थानीय देवता माने जाते हैं वो यहाँ पर है, और पूरे इस क्षेत्र में उस ये शिक्षा का केंद्र भी रहा है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक हल्दा पानी एक जगह है। अच्छा। शिव मंदिर है, तो ये माना जाता है कि गुरुकुल वहाँ था पहले। अच्छा। जो पढ़ते थे लोग वहाँ से पढ़ते थे, एक वहाँ पर आज भी एक शिव मंदिर है वही, अब तो लोगों ने सीमेंट वगैरह का बना लिया, जंगल के बीच में एक वो धारणा गुरुकुल की वहाँ पर भी रही है। अच्छा। तो उस दृष्टि से ये रहा है, आपने हिमालयन गस्टर में एटकिंसन ने भी इसको मेंशन किया है। तो आस्था के साथ साथ जो मैं यही कहता हूँ कि प्रामाणिकता और
ऐतिहासिकता के आधार पर अगर हम किसी धर्म उसकी बात करें तो और ज़्यादा प्रमाणित हो जाती है। हमारे सनातन धर्म में यही विशेषता है कि यहाँ तर्क की संभावना है, यहाँ अगर आप असहमत हैं किसी चीज पर तो उसकी भी एक परंपरा है, परंपरा है कि आप असहमति जता सकते हैं। तो हमारे वहाँ यही है कि शिव को आराध्य तो मानना अपना, पर साथ साथ तर्क भी है, उनके साथ तर्क वितर्क भी है, और यही शिव को भी प्रिय है, यही उनको भी प्रिय है। जो ये हमारे धर्म में कुछ और विशेषताएं हैं, और मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं करूँ कि सनातन धर्म मान एक अपने धर्म पुस्तकों को पढ़ने उसके जानने के बाद, हमारे वहाँ अपने बद्रीनाथ में देखा होगा कि भगवान का चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिखता, लेकिन जो भृगु ने लात मारी है छाती पर ना, क्योंकि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं भृगु, तो उन्होंने तीनों से परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन बड़े हैं। तो पहले ब्रह्मा के पास गए अपने पिता के, क्या आप बड़े हो क्या, तो उनको क्रोध आया, फिर वो शिव के पास इसी प्रश्न को लेके गए, उनको क्रोध आया। बद्रीनाथ में यहाँ पर भगवान तप में बैठो, आते ही उन्होंने भगवान की छाती पर लात मारा और भगवान ने कहा कि इसी हिमालय में बैठते बैठते मेरा शरीर ब्रज हो गया, भाई सब कहीं आपके पैर पे चोट तो नहीं लगी? तो रो गया। उसने कहा आज मैं समझ गया कि बड़ा किसको कहते हैं, धैर्यशाली किसको कहते हैं, शक्तिशाली उसको कहते हैं जो जिसमें सहनशीलता हो। तो हमारे पूरे मंदिर, हमारा पूरा धर्म यही सिखाता है कि आप में शक्ति तो है, टॉलरेंस कितनी है, जितनी आपने क्षमता, ये हमारे वहाँ धर्म सिखाता है। और विशेषताएं, ये एक और आप वृक्ष देख रहे हैं, किसी बॉटनिस्ट से आप जरूर पूछिएगा कि अभी कार्बन इसकी कॉपी भी हुई इसकी जड़ की, तो ये लगभग कितने साल पुराना मंदिर है, क्या मान्यता, लोक मान्यता में क्या है? मान्यता ये है कि 12 महीने इसमें पुष्प रहेंगे। अच्छा। और धारणा ये है कि जिस अभी आप कह रहे थे ना कि जो गाय पिंडी वाली जो है, तो ये कहते हैं इसी के नीचे वो विग्रह मूलतः गोपेश्वर का नाम है, परशीश्वर महादेव। अच्छा जी हाँ, वो अभी अभी आपने बताया होगा, उन्होंने हमारे ने बताया, वो दर्ज ने परशीश्वर महादेव है, क्योंकि अलग अलग स्वरूप में ये है। आप मथुरा में जाएंगे तो मथुरा में भी गोपेश्वर है ना, तो वही जो धारणा ये है कि दो बड़े आदमी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कृष्ण के आराध्य शिव हैं, शिव के आराध्य कृष्ण हैं, राम के आराध्य शिव हैं, और शिव के आराध्य राम हैं। तो कहते हैं कि जब वृंदावन जो मथुरा में रास कर रहे हैं कृष्ण, तो भगवान इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए बड़े भावुक हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा, तो ये गोपी बनकर वहाँ गए और घूंघट डाल करके रास करने लगे। कृष्ण को लगा कि हिमालय से मेरे आराध्य आए हैं। अच्छा। तो उन्होंने कभी किसी स्त्री का गोपी का चेहरा नहीं उठा, क्योंकि इसलिए योगेश्वर कहते हैं, वो काम को जीते हुए हैं। योगेश्वर इसलिए कहते हैं कि आपने देखा कि मोर काम का प्रतीक होता है, तो इसलिए उन्होंने मोर भी धारण किया है। तो कभी उनके अंदर काम भावना नहीं थी, उन्होंने कहा आज मैं हर गोपी का चेहरा देखूँ। तो गोपियों के मन में भी जिज्ञासा हुई कि जिससे व्यक्ति के मन में कभी किसी स्त्री का चेहरा देखने का वो नहीं रहा, वो आज क्यों कह रहा है? तो कृष्ण समझ गए कि मेरा आराध्य आया है, मैं उनका चेहरा देखना चाहूँ। और शिव और चालाक, शिव ने कहा कहीं मेरी बारी इधर से ना आ जाए या उधर। अच्छा। से तो बीच में खड़े हो गए। अच्छा। तो कृष्ण ने कहा कि मैं आज बीच से ही किसी गोपी का चेहरा। अच्छा। तो जैसे उन्होंने पहला घूंघट उठाया तो कहा मेरे गोपीनाथ आप आ गए, मेरे गोपेश्वर आप गए, तो उन्होंने गोपेश्वर शब्द दिया है। अच्छा। इसीलिए गोपेश्वर वहाँ पर भी है, और यहाँ ये धारणा मान्यता लोगों में है, इसलिए भगवान की यहाँ पर पूजा हो रही है। इसी के नीचे वो सिर्फ पिंडी पहले मिली थी, और आज भी जो ये विग्रह है भगवान का, इसके नीचे भी इस प्रतीक का दिव्य शिवलिंग। अच्छा। और बहुत जैसे आपने देखा कि और मंदिरों में कि विग्रह तो है ही, पर एक और जो ज्योति का पुंज है वो नीचे इस प्रतीक का बड़ा विराट स्वरूप है, और रुद्रनाथ छह महीने पूजा होती है, और बाकी तो आप देखे रहेंगे चारों ओर ये बड़े बड़े शिखर पड़े हैं, कमलेश पड़े हैं, ये इतने वो लगभग 135 तो अभी तलाशे गए हैं कि इस इर्द गिर्द। अच्छा। वो रहा होगा, और इसको नागवंशियों ने भी माना है, कत्यूरी डायनेस्टी ने भी माना है, और जो हमारे धर्म से अलग लोग उन्होंने भी माना है कि कभी आस्था शिक्षा और सहिष्णुता का प्रतीक भी रहा, शक्ति का प्रतीक भी ये रहा है। और अब ये शाम की आरती की तैयारी। हाँ, बस अब शाम की आरती, और आप आरती अच्छे आप देख लीजिए कि कितना सौभाग्य है कि आप आरती में शामिल हो रहे हैं। आप आरती में देख लीजिए कितने, अभी तो शुरू आरती का प्रथम चरण। हाँ। जब आप देखेंगे कि अजीब रिद्म
आप अपने अंदर खुद महसूस करेंगे, एक शक्ति अपने आप महसूस करेंगे, बहुत निरपेक्ष भाव से भी आप रहेंगे, तटस्थ भाव से भी रहेंगे, नहीं कि केवल आस्था के भाव से, निरपेक्ष भाव से भी अगर बैठे रहेंगे तो जब आरती होती तो स्पंदन पूरे शरीर में इस प्रकार से होने लगता है कि कांपने लगता है शरीर। तो ये उसने कुछ तो हमारे हमारे साथ साथ हमारे तमाम दर्शक भी, उन तक भी हम ये आरती पहुंचाएंगे। इस प्रोग्राम को समाप्त करने का इससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता था। आपने भट जी बहुत विस्तार से मंदिर के तमाम पक्षों के बारे में बताया, ऐतिहासिक पक्षों के बारे में बताया, पौराणिक पक्षों के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जान पाया, आए हम सब आरती में शामिल होते हैं जी बिल्कुल, अपने साथ साथ हम आप दर्शकों को भी ले चलते हैं आरती के विजुअल्स के साथ। इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बारहमासा की अभी ये यात्रा जारी है जिसमें आगे कुछ और एक्साइटिंग एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे, और जुड़े रहिए बारहमासा।